नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह मोबाइल इंजीनियरिंग चैनल पर स्वागत है। देखा दोस्तों, मेरे पास एक रेडमी नोट 5 प्रो मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, हैंग ओवर लोगो है दोस्तों, मोबाइल इससे आगे नहीं जा रहा है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी जेटेक सॉफ्टवेयर बॉक्स से मैं आपको ये करने का तरीका बता दूंगा दोस्तों। इसको मेन से प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, MMC का प्रॉब्लम है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम होने की वजह से आपको ऐसा हैंग ओवर में रुक जाएगा मोबाइल। इसलिए हम पहला क्या करना, हमारा मोबाइल को विदाउट ओपन बोर्ड और विदाउट मोबाइल ओपन से आपको ये करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। पहला हमारा मोबाइल को EDL मोड में कनेक्ट कर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बैटरी को मूव कर देना है। बैक डोर ओपन करने के बाद इसका EDL पॉइंट्स कौन सा है वो पहला हम चेक कर देना है दोस्तों। वो चेक करके EDL में मोड में हम PC को कनेक्ट कर देना है। पहला हमारा मोबाइल को EDL मोड में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद हमारा EZX सॉफ्टवेयर MMC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें हम इसको इंपोर्ट कर जाना है। अब देखिए दोस्तों, हमको आपको थोड़ा जूम करके बता देता है। देखिए दोस्तों, हमको EDL पॉइंट्स नोट 5 प्रो को ये दो होते हैं दोस्तों, ये दो आपको दिख रहा है देखना। ये दोनों हम ट्वीजर का मदद से हम अटैचमेंट करके हम PC को लगाने से हम मोबाइल EDL मोड में कनेक्ट हो जाएगा। होने के बाद हमको 9008 पोर्ट बनेगा दोस्तों। ये बनने के बाद हमारा ये EZTAC सॉफ्टवेयर बॉक्स का मदद से हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर को मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो सॉफ्टवेयर का। इसलिए हमारा पहला हमारा एंटीवायरस को डिसेबल कर देना दोस्तों। अब ऑलरेडी में कर दिया है। करने के बाद हमारा ये ठीक है दोस्तों, EZTAC सॉफ्टवेयर MMC रिपेयर का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन कर लेना है। ओके देखिए दोस्तों, हमारा MMC प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया EZTAC सॉफ्टवेयर बॉक्स का। ये ओपन होने के बाद हमारा ये सोर्स का प्लेस में क्वालकॉम 9008 MMC FS बोर्ड का दिख रहा है। देखिए दोस्तों, क्वालकॉम 9008 का मतलब ये है EDL मोड है दोस्तों। इसको हम सेलेक्ट कर जाना है। सेलेक्ट करके हमारा मोबाइल को EDL मोड में PC से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा। ओके अब देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल को मैं PC से कनेक्ट कर दिया है ऐसा केबल से कनेक्ट करके। अब हम क्या करना है, हमारे सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद 9008 को सेलेक्ट कर देने के बाद कनेक्ट टू क्वालकॉम EDL बोर्ड का देखा, इसको हम क्लिक कर देना है दोस्तों। ऐसा करने से हमारा मोबाइल EDL मोड में हमारा PC में कनेक्ट हो जाएगा विदाउट ओपन से। हमारा MMC ओपन नहीं सर का डायरेक्ट इसमें ऐसा ओपन हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ओपन होकर इसमें डायरेक्ट का प्रोसेस पूरा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें ये सब कुछ दिख रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन पूरा आ गया है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, एंड्रॉइड Xiaomi वायर्ड डिवाइस Redmi नोट 5 बोल का दिख रहा है दोस्तों। ARM 64 8 है दोस्तों, 64 GB का है ये, 4 GB 64 GB वेरियंट है दोस्तों। इसमें वर्षन आ रहा है फाइनवेयर वर्षन V11 है दोस्तों, MIUI 11 है दोस्तों इसमें। और इसमें Snapdragon 660 CPU है। ओके अब देखिए दोस्तों, अब मैं Snapdragon CPU प्रोसेसर दिया हुआ है दोस्तों ऑपरेटिंग के लिए। और इसमें Xiaomi MI क्लाउड भी इंक्लूडिंग है दोस्तों। देखिए इसका फोन नंबर यूजर आईडी है, ये फोन नंबर है इसका। और इसका बाद में FRP भी है दोस्तों इसको। अब क्या वार्निंग डिवाइस ब्लॉक्ड बाय FRP बोलकर दिख रहा है इसको, इसका मतलब है FRP लॉक भी इसमें पड़ा हुआ है दोस्तों। इसके बाद में ये इंक्रिप्टेड है दोस्तों, इसका RPM भी क्लीन नहीं है, इसलिए आपको इंक्रिप्टेड बोलकर दिख रहा है दोस्तों यूजर डाटा। इसके बाद में इसका प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें MMC यूज किया है, SK हाइनिक्स वाला है, MMC इसके हाइनिक्स वाला है दोस्तों इसमें। और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, MMC डिवाइस लाइफ टाइम 003 अर्जेंट बोलकर दिख रहा है। इसका मतलब है हमारा MMC का हेल्थ तो वेरी बैड सी है दोस्तों, इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है, वेरी अर्जेंट बोलकर दिख रहा है। या वार्निंग बोलकर भी एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, वार्निंग MMC हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड बोलकर दिख रहा है। इसका वजह से हमारा मोबाइल हैंग ओवर में रुक गया है दोस्तों।